गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सेकंड की चैप्टर 12 कर रहे हैं हम, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नेम है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, मतलब त्यौहार जो हम मनाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इसमें देखिए, यहाँ पे हमने फेस्टिवल आर फन ये सब पढ़ लिया है। रिलीजियस फेस्टिवल में हमने देखा दिवाली, इसके बाद गुरुपर्व, ईद उल फितर, क्रिसमस, ये हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया हमने, आप इसको आपने कर लिया होगा। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 7070 ओपन करेंगे और देखेंगे। यहाँ से यहाँ पे है नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, नेशनल फेस्टिवल्स मतलब राष्ट्रीय त्यौहार, ये राष्ट्रीय पर्व। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल एवरी ईयर, हम लोग हर साल 3 राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। दीज आर, वे कौन कौन से हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। ये क्या है, ये नेशनल फेस्टिवल है जो हम हर साल मनाते हैं। अभी रिपब्लिक डे गया हमारा, है ना, 26 जनवरी आपने मनाया होगा। इस बार आप लोग स्कूल नहीं आ पाए, लेकिन आपने घर से ही इंजॉय किया होगा, है ना। इसके बाद रिपब्लिक डे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of January एवरी ईयर, मतलब जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। अ ग्रैंड परेड इज़ हेल्ड एट न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और एक बहुत बड़ी परेड होती है इस दिन न्यू दिल्ली में, जो कि क्या है, न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की राजधानी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी परेड होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक्स द मिलिट्री सल्यूट ड्यूरिंग द परेड, उसमें क्या होता है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको हमारी जो मिलिट्री होती है वो सल्यूट करती है, है ना। परेड आर आल्सो हेल्ड इन द स्टेट कैपिटल्स, और जो परेड होती है वो हर स्टेट के कैपिटल्स में होती है, ठीक है, हर जो स्टेट होगा, अलग अलग स्टेट की राजधानियों में भी परेड होती है। देखिए इस तरह से होती है परेड। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम, दूसरा है, सेकंड है, अब पेज नंबर यहाँ पर 71 है। ओके, 71 में है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, स्वतंत्रता दिवस, और रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। ओके, तो इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August एवरी ईयर, हर साल हम कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं इस दिन, जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट मतलब लाल किला है, उस पर क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, ठीक है। ही आल्सो, जो कहाँ पे है, दिल्ली में, ही आल्सो एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट, और वो वहीं से लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, वहीं से कोई भाषण देते हैं, है ना, इसको सभी सुनते हैं। देखिए ऐसा है रेड फोर्ट, आपने देखा होगा टीवी में। और यहाँ देखिए गांधी जयंती, महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, है ना। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द 2nd of October एवरी ईयर, इनका बर्थडे हम कब मनाते हैं, गांधी जी का, 2 अक्टूबर को, हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं। दिस डे इज़ नोन एज गांधी जयंती, और इसी को गांधी जयंती बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम पेज टर्न करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज भी आपको करा देते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम टू आंसर, यहाँ पे आपको बोला है आइडेंटिफाई द फेस्टिवल, इनको फेस्टिवल को पहचानो, और बॉक्स में जो नेम दिए गए हैं उनमें उनको फिल करो। तो देखिए कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली है, गुरुपर्व ऊपर दिए गए उसी में से हमने चूज करा है, ये देखिए रिपब्लिक डे, और ये ईद उल फितर, है ना। अब देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस में, ये पेज नंबर क्या है, 72 है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, पीपल लाइट कैंडल्स एंड दिया जोन, पीपल जो है वो लाइट और दिया कब जलाते हैं, दिवाली के दिन, ईद के दिन जलाते हैं कि दिवाली के दिन, तो दिवाली के दिन। सेकेंड है, पीपल सेलिब्रेट आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमादान, कौन सा त्यौहार मनाते हैं जब रमादान का महीना, जो पवित्र महीना है रमादान का, ख़त्म होता है, तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, गुरुपर्व मनाते हैं कि ईद, तो यहाँ पे बी ईद पे टिकाई।
पीपल सेलिब्रेट डेज ऑन 25th ऑफ डिसंबर एवरी ईयर. 25th दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? ए क्रिसमस, बी दिवाली. तो ए क्रिसमस पर टिक लगाएं. ओके, पेज नंबर 73 में देखिए. फोर है, लंगर्स आर हेल्ड एट द डैश ऑन गुरपर्व. लंगर्स जो है वो लंगर्स होता है कब होता है? गुरुपर्व में होता है. कहाँ होता है? गुरुद्वारा में. ठीक है, वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन एवरी ईयर. कब मनाते हैं हम अपना रिपब्लिक डे? 26 जनवरी. ओके, अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें क्या है? फर्स्ट है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन, कब मनाते हैं हम इंडिपेंडेंस डे? 15th अगस्त. गांधी जयंती इज सेलिब्रेट ऑन, गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2nd अक्टूबर. पीपल गो टू द डैश ऑन ईद उल फितर. ईद उल फितर के दिन लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्को. ठीक है, पीपल डिस्ट्रीब्यूट डैश ऑन दिवाली. दिवाली में लोग क्या बांटते हैं? स्वीट्स. ओके, ऊपर से लिख रहे हैं, ये बॉक्स है, इसी में से चूज करके लिख रहे हैं. 5 है, डैश इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. फास्टिंग वाला जो उपवास लेते हैं वो कौन सा मंथ है? पवित्र मंथ, तो रमादान. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए. ट्रू और फॉल्स करना है आपको इसमें. फर्स्ट है पीपल प्रिपेयर सेवैया ऑन ईद, तो ये सही है, ईद के दिन सेवैया बनाते हैं. सेकेंड है पीपल गो टू चर्च ऑन क्रिसमस, ये क्या है? पीपल गो टू चर्च, पीपल जो लोग हैं जो क्रिसमस के दिन चर्च जाते हैं, तो ये राइट है. दिवाली एंड ईद आर नेशनल फेस्टिवल, तो ये फॉल्स है. दिवाली और ईद नेशनल फेस्टिवल नहीं है. ठीक है, नेशनल फेस्टिवल तो आपको पता कौन से हैं, हमें अभी हमने पढ़ा है. 4 है यू शुड अवॉइड बर्निंग फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली. आपको दिवाली के दिन पटाखे जलाने से बचना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए मतलब, तो ये राइट है. ठीक है, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी. हम अपना इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाते हैं, तो ये फॉल्स है. ठीक है, कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त, है ना. क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैं इसकी पिक भेज दूँगी तो आप लिख लीजिएगा. देखिए फर्स्ट है नेम एनी 3 फेस्टिवल डेट वी सेलिब्रेट. 3 फेस्टिवल के नाम बताने हैं आपको जो हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, गुरुपर्व और ईद उल फितर. सेकेंड है वेयर आर लंगर्स हेल्ड, लंगर कहाँ लगाए जाते हैं? तो गुरुद्वारा. आज यहाँ देखिए पेज नंबर ये क्या है, 74. इसमें क्या है? वेयर डू पीपल गो टू ऑफर नमाज, लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो मॉस्क्यूज, मस्जिद में. विच इज़ द फास्ट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स का फेस्टिवल कौन सा है? तो दिवाली. और वेन डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, हम कब मनाते हैं क्रिसमस? 25th दिसंबर. अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें पटाखों के बारे में दिया है कि आपको क्रैकर्स मेक दियर एयर पॉल्यूट, वो हमारी हवा हवा को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते, प्रदूषित करते हैं. क्रैकर्स आर नॉट सेफ, ये तो हमारे लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि इनसे हमको नुकसान पहुँच सकता है. इससे जो पटाखे जलाने से क्या होता है, एनिमल्स और जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं. क्रैकर्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है, बहुत ज़ोर से जो आवाज़ होती है उससे क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है. और ये देखिए ये कुछ डॉट वाले क्या हैं, वर्ड दिए गए, इनको आपको डार्क करना है. ठीक है, इनको मिलाना है आपको, ऐसे आप पेंसिल से इनको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करना है. ठीक है, तो इसको डॉट को आप डार्क कर लीजिएगा, ये एक्टिविटी है आपके लिए. और इसमें आपको देखिए क्या करना है, पेज नंबर 74 में 75 में, ये एक्टिविटी में क्या करना है आपको, ऐसे कार्ड बनाने हैं. ठीक है, मेक ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन अ फेस्टिवल ऑफ योर चॉइस, मतलब कोई किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं आप. फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, किसके लिए बनाना है? अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए. ठीक है, टू विश देम अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल, और हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली ऐसे लिख देना है. ठीक है, जैसे ये कार्ड बनाए इस तरह से आपको ग्रीटिंग बनाना है. इसको देखिए क्या करना है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर विद द क्रेयॉन्स ऑफ योर चॉइस. देखिए ये इसको आपको कलर करना है. ओके, ये क्रिसमस है और क्रिसमस ट्री है, तो इसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कर लीजिएगा. तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब दूसरे दिन हम दूसरी क्लास में हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर